अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके फूड प्लाजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा के परे की रेसिपी। ये चावल के आटे से बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक एसके फूड प्लाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करें। कीमा के परे बनाने के लिए हमें 400 ग्राम कीमा चाहिए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टी स्पून काली मिर्च, 1 टी स्पून लाल मिर्च, 1 टी स्पून गर्म मसाला, नमक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। पैन में ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑयल, ऐड करेंगे आधा टीस्पून जीरा, 1 बड़ी कटी हुई चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, सौते करेंगे इसको अच्छे से, 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, पिंकिश कलर आने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे कीमा। तो अगर आप मटन का कीमा नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह आप चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। कीमा मटन का कीमा गलने में थोड़ा वक्त लगता है, चिकन का कीमा जल्दी गल जाता है, तो इसका पानी सूखने तक हमें इसे चलाना होगा। तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम इसे चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले और कीमे को चलाते हुए इसे इसी तरह भुनना है हमें 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसे ढक देंगे। अब चाहे तो थोड़ा पानी ऐड कर देंगे गलने के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा कीमा गल चुका है। अब इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे, इसे इसका स्वाद दुगना हो जाता है, तो ज़रूर से ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा कीमा गल चुका है तो इसको अलग साइड में रख देंगे। अब हमें एक कढ़ाई में लेना है चावल का आटा, तो ये लगभग आधा किलो चावल का आटा है, इसको हमें अच्छे से भुनना है। लो फ्लेम पे इसको भुनेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कुरकुरापन आ जाए और दाने इसके अच्छे से खिल जाए आटे के। तो अच्छे से चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक स्लो आंच पे हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है। पानी अलग से गर्म करने के लिए पहले से ही रख देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये आटा भी गर्म है और पानी भी गर्म है तो हमें हाथों से मिक्स करने में तकलीफ होगी। तो हमें पहले चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करेंगे ताकि हमारा आटा गीला ना हो। अब हमें इसको सॉफ्ट आटा गूंदना है, हम इसे सख्त आटा नहीं गूंदना है। अच्छे से आटे को मसल मसल के अच्छे से गूंद लेंगे तो ये सॉफ्ट होगा, तो हमारी जो लोइयाँ हैं वो सॉफ्ट होगी और हमारी जो गुजिया है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब हमारा आटा रेडी है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, हाथों में भी ऑयल लगाएंगे और एक लोई ले लेंगे, इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे हथेलियों की मदद से। आप चाहें तो इसे बेलकर छोटी छोटी कटोरियों से इसे कट कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून कीमे का मिक्सचर ले लेंगे और इसे प्रेस करते हुए अच्छे से दबा देंगे। आटा सॉफ्ट होता है तो ये अच्छे से स्टिक हो जाता है और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये गोल वाले भी मैंने इसी तरह प्रेस करके बना लिए हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये भी। आप चाहें तो आटे में नमक भी ऐड कर सकते हैं। नीचे पतीली में पानी गर्म करने रख देंगे, या तो आप स्टीमर ले सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर है तो। गोल वाले बीच में रखकर साइड में सारे कीमे वाले फरे रख देंगे और इसे स्टीम होने के लिए हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, अच्छे से स्टीम आने देंगे। 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे तो हमारा जो फरे हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, क्योंकि हमारा आटा भी गर्म था, हमारा पानी भी गर्म था, तो ये जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसको ठंडा होने के बाद ही अलग अलग करेंगे, गर्मा गर्म अलग करेंगे तो ये टूटने लगते हैं, तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अलग करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका जो टेक्सचर है कीमे का, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आप मटर के बनाने चाहें, मटर का सीज़न चल रहा है तो मैंने इसे अपलोड कर दिया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप मटर की भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके शेयर करें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।